दिल्ली में ऑफिसर का ट्रांसफर एवं पोस्टिंग प्रसंग एवं बड़ राजनैतिक प्रसंग पलटि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पर केंद्र सरकार यहां अध्यादेश जारी करने को आप विरोध करुछि। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केन्द्र अध्यादेश विरोध में देश भ्रमण में बाहरी विरोधी दल नेता फेटुंट समर्थन लोड़ राज्यसभा मौसुमी अधिवेशन में केन्द्र सरकार बिल आणिले विरोध करने को केजरीवाल सबु विरोधी दलों अपील कर मंगलवार केजरीवाल बेंगल सीएम ममता बनर्जी को भेटी थे। बुधवार महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेटी केजरीवाल सहित पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह राघव चड्ढा और दिल्लीर मंत्री आतिशी उपस्थित थे। केन्द्र बीजेपी सरकार उपर बर्षि उद्धव ठाकरे आमे संविधान बचाई लोकों साथे अच्छू केजरीवाल सहित साक्षात नहीं उद्धव कही आमे देश और लोकतंत्र को बचाईवा आगे आद्धव कहते आमको विरोधी दल कहटा ठीक नुहे बर केन्द्र सरकार को विरोधी दल बोली कहुवा उचित कारण केन्द्र बीजेपी सरकार संविधान और लोकतंत्र विरोधी कहते उद्धव ठाकरे केजरीवाल कहते उद्धव ठाकरे प्रतिश्रुति राज्यसभा आपको समर्थन देवे मौसुमी अधिवेशन में यह बिल पारित होगा आसिले यह घोर विरोध कर गुरुवार एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार को भेटे केजरीवाल गोटेपटे बीजेपी विरोध में मेली पर समर्थन जुटाबार लगी केजरीवाल अंपटे 24 पर महाराष्ट्र एजेंडा सेट कर लगी सबु राजनैतिक दल एवं मेट और समीकरण सजाड़ आरंभ हो 2024 में बीजेपी बाट केमी ओगाड़े से नहीं महाराष्ट्र महाविकाश अघाड़ी सहयोगी मध्य प्रस्तुत होबार लगी रणनीति कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना उद्धव गोष्ठी महाविकाश अघाड़ी नाँ निर्वाचन लड़े तेज आसन बुझाणा लगी कौन से फर्मुला सेट हो सहमति प्रकाश पाने महाविकाश अघाड़ी में सामिल तीन दल आसन बुझाणा लगी निज निज फर्मुला रखुं गत निर्वाचन में तीन दल जीति आसन छाड़ा प्रस्तुत नुहंत एमती देखा बाकी रहा केमी आसन बुझाणा नहीं सहमति प्रकाश पाँच अपेक्षा सीट केमी आवंटन हम सेपटे बीजेपी विरोध में बसिले आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी विरोध में बस संजय सिंह संजय सिंह कौन कहते टे तथ्य मतलब बुझे चेस्ट करवा संजय सिंह आप राज्यसभा सांसद कौन कहते सरकार को बस कौन कहे गणतंत्र विरोधी विरोध में देश प्रेमी एकजुट होती हे संजय सिंह कहवा कथा जो मैंने देश को भल पाँच से बर्तमान एकजुट होती जो मैंने देश को भल पाँच देशर गणतंत्र को भल पाँच जो मैंने देश को भल पाँच देशर गणतंत्र को भल पाँच से एकजुट होती जो मैंने देशर संविधान को भल पाँच अविश्वास करसर संविधान पर विश्वास करजुट होती आज एकजुट होवार आवश्यकता अच्छी कारण सरकार संविधान को कौ मुमेंट में दलित चकटी भांगी देवे एक संजय सिंह कहवा कथा यह विरोधी नुहे आम विरोधी नुहे देश प्रेमी देशभक्त मेट ये जो मेट हो विरोधी मेट नुहे अच्छा एक कथ को जून 11 आप शक्ति प्रदर्शन अच्छी कौन आप शक्ति प्रदर्शन टे तथ्य मतलब चेस्टा करवा आप कहीं शक्ति प्रदर्शन करुच्ची केन्द्र अध्यादेश विरोध में आप दिल्ली में कर शक्ति प्रदर्शन केमी हम आम आदमी पार्टी जून 11 रामलीला मैदान में कर शक्ति प्रदर्शन से ही रामलीला मैदान जे अनेक घटनार मुख साई प्रस्तुत हो विरोधी कलंक विरोधी दलों मंच प्रस्तुत हो संविधान बचावा लगी विरोधी समर्थन लोड़े से केजरीवाल समर्थन लोड़े संसद में सरकार बिल आणिले विरोधी करने को केजरीवाल को अपील जे आप विरोध करते बिल आसे केजरीवाल को कांग्रेस ममता पर उद्धव का समर्थन मिली और एनसीपी सुप्रीमो पाखे जीवे कथा एक चली तेज सेपटे केन्द्र अध्यादेश विरोध में केजरीवाल का अभियान ममता दीदी पर उद्धव ठाकरे को भेटिले केजरीवाल केजरीवाल को समर्थन करते उद्धव ठाकरे समर्थन कर उद्धव कहे गणतंत्र आउ संविधान रे विरोधी मोदी सरकार यह बचावा को विरोधी को एकजुट होगा पड़े देख केन्द्र अध्यादेश विरोध में केजरीवाल अभियान ममता दीदी पर उद्धव ठाकरे को भेटिले केजरीवाल उद्धव कहले गणतंत्र संविधान विरोधी मोदी सरकार राजधानी दिल्ली में ऑफिसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग को नहीं सुप्रीमकोर्ट का राय पर केंद्र सरकार आनी एक अध्यादेश अध्यादेश बल में दिल्ली में ऑफिसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार के अधीन रही अर्थात सुप्रीमकोर्ट दे राय एक प्रकार ओलटि जा ऑफिसर को पोस्टिंग को ट्रांसफर निर्वाचित सरकार को कंट्रोल विषय बोली सुप्रीमकोर्ट कहते कार्यकारी आउ हेबन ए प्रसंग को नहीं दिल्ली में शासक और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के निष्पत्ति विरोध में अभियान आरंभ कर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश विरुद्ध में समस्त विरोधी दल नेता भेटुं मंगलवार अरविंद केजरीवाल कोलकाता गस्त कर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेटा पर बुधवार मुंबई जाए मातेश्री में उद्धव ठाकरे को भेटिंट
केजरीवाल पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान आप सांसद संजय सिंह राघव चड्डा दिल्ली मंत्री आतिश को उपस्थित थी देखा मिली प्रसंग में पार्लामेंटर उद्धव ठाकरे कहते देशर संविधान और गणतंत्र को बचाईवाक आम एकाठी होमको विरोधी कहवा ठीक नुहे बर जे गणतंत्र और संविधान को शेष करने को उद्यम करुंक विरोधी दल कह दरकार इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है विपक्ष मतलब किसका विपक्ष किसका विरोधी हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए लोकतंत्र विरोधी लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं संविधान को बचाने के लिए आए हैं। साक्षात्कार परे केजरीवाल कहते प्रसंग में पार्लामेंट में आमको पूरा समर्थन देवे उद्धव प्रतिश्रुति जदि राज्यसभा बिल पारित हो पारे ना तेज 2024 मोदी सरकार क्षमता को फेरबे ना इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का शिवसेना का और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। गुरुवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को साक्षात करेंगे अरविंद केजरीवाल या पूर्व प्रथम प्रसंग में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल केजरीवाल को समर्थन देते आगामी मौसुमी अधिवेशन में कांग्रेस केन्द्र अध्यादेश को विरोध कर घोषणा कर गत मंगलवार दिन कोलकाता में ममता बनर्जी के प्रसंग में भेटते केजरीवाल ममता दीदी समर्थन देवे सुप्रीमकोर्ट भार्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ में हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है दिस इज द मौका है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। तबे राजधानी दिल्ली में सरकार ऑफिसर को ऊपर निर्वाचित दिल्ली सरकार को कंट्रोल रहबे बोली सुप्रीम कोर्ट निर्देश देबा पर असल खेल आरंभ होइतिला पब्लिक ऑर्डर पुलिस और जमीजमा को छाड़ी बाकी अन्य सब विषय निर्वाचित सरकार को कंट्रोल बोली प्रधान विचारपति जस्टिस चंद्रचूड़ को पांचजणिया बेंच कहते अर्थात सरकार ऑफिसर को ऊपर पूरा कंट्रोल दिल्लीर निर्वाचित सरकार आम आदमी पार्टी सरकार को रही किंतु ये निर्देश पर दिल्ली सरकार सर्विस सेक्रेटरी को बदली कले यहाँ दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी विनय कुमार सक्सेना रोक लगे आम आदमी पार्टी एक सुप्रीमकोर्ट को अवमानन कि मे 19 केन्द्र सरकार एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीमकोर्ट राय को पलटाई देते सरकारी ऑफिसर का ट्रांसफर और पोस्टिंग अधिकार एलजी पाखे रही अध्यादेश कहुता कि 6 मास मध्य अध्यादेश को आईन में परिणत करने पार्लामेंट पारित करने पड़ा यह अध्यादेश विरोध में मत रखा को नहीं सब विरोधी एकाठी कर लगी दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। महाराष्ट्र रे अघाड़ी गणित कौन अघाड़ी गणित आसूम केजरीवाल से फिट करने चेस्ट करते बुझे चेस्ट कर महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी MBA मेटरे गणित छिड़ुन कैलकुलेशन छिड़ुन कौन छिड़ुन लोकसभा निर्वाचन पाई मेंट भागवाड़ी कांग्रेस एनसीपी और शिवसेनार उद्धव कैंप मध्य भाग छिड़ी पड़े मोट 48 लोकसभा आसन मध्य समान भाग हेले प्रति दल को 16 16 16 तीनो भाग मिले सीट किंतु 2019 शिवसेना 18 एनसीपी 4 कांग्रेस को गोटे सीट मिलता हाथ होता है शिवसेना 18 अधिक सीट लड़ाक चाहते तेणु भागवाड़ी दल एनसीपी कांग्रेस राज्य 2019 बीजेपी शिवसेना एकाठी लड़ा बेले कांग्रेस एनसीपी एकाठी लड़ी थे निर्वाचन एवं शिवसेना दुई फाड़ा पर एकनाथ शिंदे क्या अलग ही बीजेपी सरकार करी आगामी निर्वाचन में बीजेपी सब मिशी एकनाथ शिंदे क्या लड़ सीट बुझाणे विशेष समस्या हेनी कितु कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना उद्धव क्या
सीट शेयरिंग को नहीं झमेला सरुनी अधिक आसन में किए लड़ब एथपाई महाअघाड़ी मेटर फाइटिंग आरंभ हो जाए महाअघाड़ी मेटर वर्तमान भाग छिंडुनि जे किए केते सीट रे लड़ब क्या केते सीट दिजिव जीत शिवसेना अलग अलग हो जाए शिवसेना लड़ब से गोटे पार्ट्रे एपटे उद्धव गोष्ठी जो उद्धव ठाकरे गोष्ठी से गोटे पार्ट्रे लड़े तो यह वर्तमान भाग छिड़ी पारना तेनाली भागबंटा करना।